एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो अभी वीकेंड का इवनिंग का टाइम है और हमारे अभी जाने में बहुत ही कम डेज बचे हैं, उसी की प्रिपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी जो श्री गणेश कर रहे हैं वो कर रहे हैं मंदिर की शॉपिंग से। एक्चुअली जब हम लास्ट टाइम गए थे तब तो हमें बैगेज अलाउंस वगैरह बहुत कम मिला था, लेकिन इस बार हमें एयर शिपमेंट भी मिलेगा और सी कार्गो भी मिलेगा, तो हमारे पास काफी वेट है लेके जाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ना मंदिर पसंद करने के लिए जा रहे हैं, तो घर में अपने जो अच्छा सा मंदिर है वो रखेंगे। लास्ट टाइम तो मैंने DIY करके एक बनाया था, लेकिन इस बार फैसिलिटी है तो सोचा कि मंदिर भी फिर लेके जाते हैं। तो आज उसी काम से हम लोग निकले हैं, तो अब धीरे धीरे करके जो चीजें हैं वो करेंगे। आंटी देख, और यहाँ पे मिल गई है किशा की फेवरेट आंटी, तो खिरशा भी बात करेगी। और कल अभी आने वाले हैं हमारे घर पे एयर कार्गो का सामान वगैरह देखने के लिए। मैंने सब लिस्ट वगैरह सब कुछ बना रखी है, क्या हमारा सी से जाएगा, क्या हमारा एयर से जाएगा, तो वो सब पूरा रेकी करके जाएंगे। और उसके बाद जब हम उनको फाइनल बताएंगे। हाँ, लैंड से जाएगा। क्या आएगा? बाय लैंड। लैंड बाय लैंड, बाय लैंड से कुछ नहीं जाएगा, सब एयर एयर जाएगा। अच्छा, एयर। सब एयर एयर से जाएगा, बाय लैंड कुछ नहीं जाएगा। तो वही सब चीजें बतानी है। बाकी उन्होंने ये सौरभ को एक्चुअली क्या है ना, सौरभ की कंपनी ने 2-3 एजेंसी अलॉट की है, जैसे जो इमिग्रेशन कराएगी, है ना, इमिग्रेशन ही बोलेंगे ना सौरभ उसको, वीजा कराएगी वो टीम अलग है, और ट्रैवलिंग बेसिकली जो यहाँ से सामान वगैरह सबका है सब देखेगी, ट्रैवलिंग, हाँ, रिलोकेशन, वो रिलोकेशन वाली टीम अलग है, और फिर जो वहां पे हमारा रहने का अरेंजमेंट वगैरह करेगी, टिकट्स जो बुक करेगी वो एजेंसी भी अलग ही है ना, या वीजा वाली है वो? वो तो हाँ, ट्रैवल डेस्क। हाँ, तो ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं जो देख रही हैं, तो इसलिए ना प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए तो हमें मेल ना बहुत पहले आ गई थी हमें कि क्या हमें मतलब क्या हम लेके जा सकते हैं, क्या हम लेके नहीं जा सकते, लेकिन कल जो आएंगे तो वो मतलब और डिटेल में हमें बता देंगे। मैं उनको अपना लिस्ट बता दूंगी कि मैंने कैसे कैसे क्या चीजें डिवाइड की हैं, क्या हमारे साथ जाएगा, तो ये करके और अभी देखते हैं। तो ये है, और मैट्रेसेस वगैरह कुछ जैसे थोड़े बहुत ऐसे सोच रही हूँ लेके जाने के लिए, वो मैं बताऊंगी किस पर्पज से। तो अभी सबसे पहले तो मंदिर देख के आते हैं, बाकी जैसे कि जो भी शॉपिंग रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगी। तो हमारे घर के पास 16 नंबर का मार्केट है, यहाँ पे अनमित को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती हूँ, तो मैंने आते जाते बहुत सारी शॉप्स देखी हैं, और एक बार पहले हम लोग आए भी थे यहाँ पे, एक दो शॉप्स हम लोग देख के गए थे, तो मुझे ना एक मंदिर मतलब आया भी था पसंद, तो लेकिन ये सोचा था कि जब वो जाने का होगा तब वो हम देखेंगे। तो अभी फाइनली तो हो ही गया है, अब सब कुछ प्रोसेस पर सब, तो हमारा कल शायद हमने भी हमारे जो टिकट्स हैं वो बुक हो जाएँ, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं मंदिर और फिर आपको दिखाते हैं। आए थे तो ना हमले वाला मंदिर देखा था, तो आज वापस यहाँ पे भैया बैठे हैं, इनका दिमाग वापस हम चाटेंगे आज, और वापस चाट के अपना जो मंदिर है वो हम करके जाएंगे। तो ये वाला जो मंदिर है इसका कॉस्ट इन्होंने बताया 5500, और ये वाला जो मंदिर है इसका कॉस्ट बताया 6500। तो अभी मुझे उसमें कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए, तो वो मैं कराती हूँ भैया से, क्या बोलते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा लग रहा है ना, तो इसमें वो भी लगा दूंगी ना, वो स्क्रू भी लगा दूंगी ना, घंटी वगैरह लगाने के लिए वो लग जाएगा ना। तो ये वाला प्लेट अपना एक प्लेट हो जाएगा, और ये नीचे वाला हो जाएगा ना, अंदर वाला। ये आपका ड्रॉ बन गया। और भी देखो, ये ट्रेडिशनल वाले सब मंदिर रखे हुए हैं, ये मैंने एक दो शॉप पे और भी देखे थे, तो ये वाले मंदिर भी अच्छे होते हैं। हमारे घर पे भी ये वाला है, बट अगर अभी देखो ना तो सब जगह वाला मंदिर चल रहा है, और उसमें स्पेस भी ज़्यादा है, पीछे LED लाइट वगैरह भी है, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो वही मेरा मन है कि उस टाइप का लेने का। हालांकि सौरभ का जो मन है वो कह रहे हैं क्योंकि वेट में वो वाला थोड़ा सा लाइट वेट रहेगा, लेकिन उसमें क्या है ना, जो भगवान जी बिठाओगे ना, क्योंकि उसमें कुछ भी कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन इसमें जो है ना वो अच्छे से भैया कस्टमाइजेशन करके दे रहे हैं, तो सब कुछ कस्टमाइज हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने मतलब ये वाला मंदिर सोचा है। बाकी जब बनने के बाद आएगा वो तो हम तब देखेंगे कि कैसा लगेगा, क्योंकि इसमें भी कस्टमाइजेशन हुए हैं। ये अनवित के ग्लव्स जो अब कृषा के काम आएंगे, न्यू ग्लव्स हैं ये।
देखो जितने भी हमारे विंटर क्लोथ्स हैं ना, जो मतलब पुराने हैं, तो हमने यहाँ पे सब धूप लगाने के लिए रख दिया है। सौरभ के ब्लेजर्स वगैरह हैं तो भी ज़रूरत लगी है, सब मीटिंग्स वगैरह में वाला पार्टी ब्लेजर है। हाँ, ये मेरा ब्लेजर है तो सब रख दिया। सारे कपड़े हम लोग ऊपर डाल के आए हैं धूप लगाने के लिए, जो पुराने विंटर क्लोथ्स थे ना, मतलब जो न्यू हैं लेकिन वो ओल्ड हैं 5 ईयर्स वाले ना, वो सब डाल के आए हैं ताकि उनको धूप लगा दें, उनको फिर मतलब पैक करके रख दें। अपनी बर्तन वाली शॉपिंग के लिए एक्चुअली अभी अमेजोन पे सेल है ना, तो 10% डिस्काउंट है कार पे, लेकिन मैं एक शॉप पे गई थी बर्तन वाली शॉप पे, तो उन्होंने बोला था कि हम लोग ऑनलाइन से भी कम प्राइस में देते हैं और दूसरा डिस्काउंट भी दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार वो वाली शॉप पे जाके देख लेते हैं। जैसे मुझे ये 1.5 लीटर वाला कुकर वगैरह चाहिए, तो वो सब चीज़ें लेके आऊँगी। कढ़ाई चाहिए एक, क्योंकि 2 कढ़ाई हैं मेरी तो अभी किचन में यूज़ हो रही है ना, तो मम्मी को भी लगेगी, तो एक कढ़ाई फिर मम्मी के लिए हो जाएगी और एक मैं अपने लिए एक और ले लूँगी ऐसा करके। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, निक नैक किचन की सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो वही सब अभी से काम करके रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो अभी डिटेल शॉपिंग होने वाली है, मंदिर वाली शॉपिंग हो गई है, और कुछ काइंड ऑफ जो मैंने आपको दिखाया ना, मैंने उस टाइप से लिया है, बस उसमें कुछ कस्टमाइजेशन है, बाकी वो तो जब आएगा, जब ओपन होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाले जो व्लॉग्स हैं बेसिकली, इसमें मैं कुछ अपनी कुकिंग वुकिंग नहीं दिखा रही हूँ, वो इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि कुकिंग आप मेरे रेगुलर व्लॉग में भी देख लेते हैं, और मैं बेसिकली ये इसलिए दिखा रही हूँ अगर किसी को आइडिया चाहिए तो मतलब वो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा ना, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। बाकी सबकी अपनी अपनी कंडीशन है सामान लेके जाने की, चीज़ें लेके जाने की, लेकिन मैं जो जो लेके जा सकती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और इसीलिए मैं वाले जो व्लॉग्स हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे चाहिए 1.5 लीटर का हॉकिंस का ट्रिपल आई वाला स्टील वाला कुकर, इसलिए 1.5 लीटर का स्टील में जो भी ऑप्शन है दिखा दो। घर पे तो मेरे पास ट्रिपल आई का है, 1.5 लीटर का हॉकिंस का। अभी हूँ मैं यहाँ पे बर्तन की दुकान पे ना, और अभी यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या करके आई, लिस्ट मैं घर पे भूल के आ गई हूँ, लेकिन अभी जो मेन मेन चीज़ें याद है ना वो ले लूँगी और फिर वापस आ जाऊँगी लेने के लिए। जो भी निक नैक चीज़ें रहेंगी, जो मेजर चीज़ें हैं वो मुझे याद है, वो मैं अभी ले जाऊँगी, और बाकी जो निक नैक चीज़ें हैं छोटी छोटी वाले वो मैं फिर बाद में लेके जाऊँगी। इससे बड़ा तो यही हुआ ना। लोग आ गए हैं और यहाँ पे ले आए हैं बर्तन, तो अभी मैं मम्मी को दिखा रही हूँ कि क्या लेके आए हैं। लिस्ट मैं ले जाना भूल गई थी, जो भी मुझे मोटा मोटा याद था अभी मैं वो लेके आई हूँ, बाकी जो निक नैक चीज़ें हैं वो मैं लेने जाऊँगी वापस, लेकिन आज जो थोड़ा बहुत याद था वो मैं लेके आई हूँ। तो वहाँ पे ये मैंने कहा कि आपको भी एक क्विक सा दिखा देती हूँ कि क्या क्या दिखाऊँ मम्मी वाला। ये देखो, ये एक चाय का, ये तो बर्गनर का लिया है स्टील का, मम्मी ने बोला था कि इस टाइप का लेके आना, ये बर्गनर का है, और क्योंकि ये इसमें ना मतलब रखने वाला हो जाता है, तो मम्मी ने ये यूज़ किया है चाय दीदी के यहाँ पे, तो उनको ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। मैं तो वो वाला लेने का सोच रही थी जो हमारे घर पे हॉकिंस का है, लेकिन मम्मी बोलने की ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तो मैंने बर्गनर का लिया है ये वाला। और ये लिया है चाय का पैन, तो काफ़ी हैवी बॉटम है, तो मम्मी बोल रही कि इसमें राइस वगैरह भी अगर बनाना हुआ तो आराम से बन जाएगा। हमने ट्राईपॉड पे लगा लिया, तो आपको दिखा देती हूँ और ये सब चीज़ें। एक ये लिया है अदरक ग्रेट करने के लिए ना, ये ले लिया, तो बेसिकली बर्तन वाला होल हो जाएगा, और ये वाला वीडियो मैं आज यहीं पर फिनिश करूँगी क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, ये देखो, ये घीदानी ले ली ये वाली, इसमें इसको रख के गर्म भी कर सकती हूँ ना नीचे से अगर सपोज थोड़ा हुआ। ये एक मैंने पूजा के लिए वाला छोटा सा लोटा लिया है, कलश स्थापना वगैरह करनी रहेगी तो उसके लिए, ये देखो मैं ठीक है ना, छोटा साइज ही लिया मैंने। ये बोल रहे हैं कि ये वो है मतलब पीतल वगैरह के जो बर्तन है और अच्छे से चमकते हैं पीतांबरी से भी ना इसमें, तो मैंने एक ले लिया, मैंने कहा कि जो दुकान पे हाँ। और एक ये बोल लिया है जैसे स्टफिंग वगैरह जैसे करना है ना, वो घिस के
अब प्लेट यहाँ पे तो काफी सारी है, ये देखना ये परांत लिए आटे के लिए, ठीक है ना, वाला साइज ज्यादा बड़ा नहीं लिया है, ठीक है बताओ पसंद नहीं आपको, क्या कमी लग रही है? नहीं मतलब ऐसे ठीक है, हाँ बड़े बर्तन में ना मतलब बहुत ज्यादा रखने की दिक्कत भी होती है, छोटे छोटे कहीं पे भी ये मतलब आराम से रख सकते हैं, इससे बड़े फिर हमारे वाला बड़ा साइज होता है, ये मेरे ख्याल से हमारे पास छोटे वाले साइज की है शायद, तो ये देखो ये परांत ले ली, मतलब मैंने सोच के लिए कि मतलब छोटी सी हमारी जैसा रहेगा तीन चार लोगों का आटा लगना है तो उस हिसाब से ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, लेकिन वो थोड़ी बड़ी होती तो आगे तक के लिए सोच के ठीक रहती, ठीक है चलेगा, अभी तो अनवित के बच्चों के लिए बने पोता पोती ठीक है ना, ये वाला कुकर स्टेन ये लिया है, ये वाला 1.5 लीटर वाला कुकर ये वाला लिया है, धुलाई वाला, हाँ ये वाला कुकर एक तो मैंने आपको पहले दिखाया था, मैंने 3.5 लीटर का लिया था, ये 1.5 लीटर वाला है, ये वाला लिया नहीं, ये वाला वो ले गई है, ये वाला लिया है मैंने, ढक्कन मैं खोल नहीं रही हूँ, ढक्कन इसी के अंदर है ना, उससे वारंटी कार्ड तो मैंने फिल नहीं करवाया, क्या उससे वारंटी कार्ड उसी से फिल करवा के लेके आना चाहिए था ना, हाँ है वारंटी कार्ड फिल करवा लें उससे, ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है क्योंकि वो बड़ा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ना मेरे पास लेके आना, और ये वो ये लिए मैंने बर्गनर की कढ़ाई, अभी मैंने इस्तेमाल करी है विनोद प्रेस्टीज, तो बर्गनर मेरे पास था नहीं तो उन्होंने बोला है कि इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, आप इसको यूज करके देखो, और मैं वही बोल रही थी कि मेरा जो विश्वास है वो विनोद पे है, क्योंकि अब तक हमारा खाना बिल्कुल भी उसमें नहीं जला है, तो उन्होंने बोला कि इसको यूज करो और अगर मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे पास लेके आ जाओ, तो ये है मम्मी आपको दिखाती हूँ, ये कैसे पैक, अच्छा यूज करके देख लेंगे इसको, कुक करके देख लेंगे, दो लीटर की है ये, 2.1 लीटर उसमें स्टील ट्रिप लाइन है, ये वाली कैसी है, भारी है, तो यहाँ पे जो कपड़े हैं वो धूप लगाने के लिए डाले थे, ये देखो तो अभी धूप लगा के ना सब उतार के भी लेके आ गए हैं, सारे हमारे जो वूलन है ना, ये पुरानी जैकेट्स, ये MNS की जैकेट है जो MNS से ली थी, और ये बहुत अच्छी जैकेट है मेरी, तो ये सब ऐसे जो क्लॉथ है बहुत अच्छे से धूप लग गई है सबको, और ये सब ना ड्राई क्लीन करवा के ही रखे हुए थे हमने, क्योंकि यूज़ ही नहीं हुए तो सब ये ड्राई क्लीन वाले कपड़े हैं जो हो चुके हैं। सो मैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपने ब्लॉग का एंड नहीं किया, कल बस हम लोग बर्तन वगैरह लेके आ गए थे, मैंने आपको दिखाया ही है, तो बस ऐसे पैरेलली बहुत सारी जो प्रिपरेशंस है ना वो मैं चल रही हूँ, अभी घर को सॉर्ट करना शुरू करूँगी, क्योंकि जैसे धीरे धीरे करके करूँगी ना तभी वो काम ख़त्म होगा, आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी कि मैंने क्या मतलब अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई है अपने घर को सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि पूरा मूव हो रहे हैं तो एक एक चीज़ अच्छे से सॉर्ट करनी पड़ेगी, कल कपड़े भी धूप लगा के आ गए थे क्योंकि जो हमारी पुरानी जैकेट्स वगैरह ना वो सब कुछ बहुत अच्छी MNS वगैरह से ली थी, नेक से ली थी, सब नई थी तो उनको धूप वगैरह लगा दे तो हम लोग रीयूज़ करने वाले हैं, बाकी जैसा लगेगा अगर नई की जरूरत लगेगी तो न्यू जैकेट्स ले लेंगे, बच्चों के सीजन की न्यू जैकेट्स आ गई थी रक्षाबंधन का, दीदी ने गिफ्ट भेजा था तो वो हैं, बाकी वहाँ के हिसाब से जो लगेगा इनके लिए फिर ले लेंगे, बाकी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह सब कुछ चल रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जैसे रहेगा पैकिंग वैकिंग वाले व्लॉग्स में, तो चलिए मैं अभी ये वाला व्लॉग वहीं पर ही फिनिश करती हूँ, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी ही मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखना अपना बहुत सारा ख्याल, बाय, टेक केयर, बाय।